बिहार में सारे राजनेताओं के अपने ही यूनिक स्टाइल्स हैं, और बात जब अनोखे अंदाज की होती है तो सबसे आगे लालू के लाल तेज प्रताप यादव का नाम आता है। तेज प्रताप यादव अपने अलग अलग राजनीतिक कारनामों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो साइकिल चलाते हैं, कभी उसी साइकिल से गिर जाते हैं, कभी घोड़े की सवारी करते हुए दिखते हैं तो कभी पंडित बन जाते हैं, कभी तेजस्वी यादव की चलाई हुई नाव पर बैठे नजर आते हैं तो कभी तेजस्वी यादव जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो वो उसी ट्रैक्टर के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। इस वक्त की खबर ये है कि नामांकन करने के बाद अब तेज प्रताप यादव हसनपुर में दोबारा दिखाई दिए हैं। 18 अक्टूबर यानी कि रविवार के दिन उन्होंने अपना नामांकन 13 अक्टूबर को कराया था और कल यानी कि 18 अक्टूबर को अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद वो जनसंपर्क के लिए निकल गए। जनसंपर्क के दौरान जब उनका समूह बड़गांव से गुजर रहा था तो वो वहां जाकर खेतों के बीच में ट्रैक्टर चलाने लगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऐसे जाकर खेत के बीच में ट्रैक्टर चलाना विपक्षी दल के लिए एक जवाब है, जो ये कह रहा था कि तेज प्रताप यादव महंगी महंगी गाड़ियां और बाइक चलाने वाले नेता हैं। तेज प्रताप यादव शायद किसानों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो उनके ही बीच के एक नेता हैं। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि तेज प्रताप यादव के पास करीब 30 लाख की BMW गाड़ी और करीब 16 लाख की CBR 1000 RR स्पोर्ट्स बाइक है। ट्रैक्टर चलाने के बाद अहिलवार पंचायत में तेज प्रताप यादव ने सत्तू पीते हुए भी एक ट्वीट किया था। ये हम सब भली बाती जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव लोगों के बीच के नेता थे। लोगों को अपनी तरफ कैसे करना है ये उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं जानता था। लोगों ने जितना अपनापन उन्हें दिया है शायद ही किसी और नेता को कभी मिला हो, और ऐसा नजर आ रहा है जैसे तेज प्रताप यादव अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार समस्तीपुर में हसनपुर की सीट हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने 2015 में जिस सीट से जीत हासिल की थी उस सीट को छोड़कर वो हसनपुर की तरफ क्यों गए, इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। NDA के सीट बंटवारे में हसनपुर की सीट JDU के खाते में जा गिरी है और उस सीट से उतरेंगे उनके सिटिंग विधायक राजकुमार राय, जिन्होंने 2015 में बहुत आराम से इस सीट से जीत हासिल की थी। 2015 में पॉलिटिकल पार्टियों के समीकरण अलग थे। उस चुनाव के दौरान JDU और राजद एक ही तरफ से चुनाव के मैदान में उतरे थे और दोनों ने ही अपने वोट बैंक का बखूबी फायदा उठाया था, लेकिन इस बार वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले हैं। और ऐसे सारे नेता जो एक दूसरे के सपोर्ट में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में ये देखने में मजा आएगा कि इस बार जनता की वोट किसकी झोली में जा गिरेंगे और जीत किसे हासिल होगी। एक दिलचस्प बात ये भी है कि तेज प्रताप यादव इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने नामांकन के पहले ही अपना चुनावी क्षेत्र ऐलान कर दिया था, और तो और उन्होंने वहां से प्रचार भी शुरू कर दिए थे। तेज प्रताप यादव के हसनपुर में वोट बैंक को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव ने भी अपनी चुनावी रैलियों का प्रचार वहीं से शुरुआत करने की घोषणा भी की थी। अब देखना यह है कि जिस सीट को लेकर लालू के दोनों लाल इतनी मेहनत कर रहे हैं वो उनके खाते में आएगी या फिर 2015 की तरह राजकुमार राय फिर से यहां अपने लिए जीत दर्ज कर लेंगे। इस खबर में इतना ही। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हमारा चैनल सबसे पहले उन्हें आप तक पहुंचाता रहेगा। आपकी स्क्रीन पर डोनेशन की जानकारी दिखाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि जनता जंक्शन इसी तरीके से पत्रकारिता करता रहे तो आप हम तक डोनेशन जरूर भेजें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्शन के पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।